मतदाताओं को जागरूक करने हेतु निर्वाचन आयोग की ओर से बस यात्रा निकाली गई। वाराणसी के जिन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम रहा है, उस क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बस यात्रा निकालकर लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि इस बार 7 मार्च को विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करें। और एक नारा दिया गया, इस बार 80 पार पहले मतदान फिर जलपान। इस बस को मुख्य विकास अधिकारी तथा निर्वाचन आयोग वाराणसी की ब्रांड एम्बेसडर नीलू मिश्रा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर एनसीसी के बच्चों के साथ रवाना किया गया। आज ये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से वाराणसी जनपद में मतदाता एक्सप्रेस आई है, जिसका अभी शुभारंभ हमारे मुख्य विकास अधिकारी जो नोडल अधिकारी स्वीप, उन्होंने किया। ये मतदाता एक्सप्रेस न्यूनतम जो पोलिंग बूथ हमारे जहां मतदान प्रतिशत कम रहा है और विभिन्न विश्वविद्यालयों में जा रही है, ताकि लोगों को जागरूक कर सके। हम लोग की 7 मार्च को वाराणसी में हमारा मतदान दिवस है और इसमें जो गाने, स्लोगन और वीडियोस वगैरह हैं वो लोगों को दिखाए जाएंगे। हमारे छात्र छात्राएं एनसीसी और स्काउट गाइड के सभी नुक्कड़ नाटक और विभिन्न प्रकार के स्लोगन्स के माध्यम से काशी की जनता को अपील करेंगे कि हम 7 मार्च को मतदान करें। ये रूट वाराणसी यूपी कॉलेज, हमारे डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज से शुरू की गई है, विकास भवन, फिर अभी कटिंग मेमोरियल में जाएगी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, आर महिला डिग्री कॉलेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उसके बाद नगर निगम सिग्रा पे, फिर लास्ट में ये बीएचयू में जाएगी। बीएचयू के बाद पिंडरा विधानसभा में नेशनल इंटर कॉलेज से इसको फ्लैग ऑफ करके जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना किया जाएगा।